हेलो फ्रेंड्स, मैं हुदिया पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है कि क्या आप पीएफ के मेंबर हो, क्या आपको आपका पीएफ का जो टीडीएस है वो बचाना है, क्या आप इन फ्यूचर में पीएफ विड्रॉल करने वाले हो और करना है तो आप विदाउट एनी डिडक्शन आपको पीएफ विड्रॉल करना है, तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथ साथ में आपको मैं वो भी बताऊंगी जो 20 मई 2019 को अमेंडमेंट हुए हैं और एक दूसरा फीचर आया है पीएफ पोर्टल पे जो है 15G। आपने 15G और 15H का नाम सुना होगा जो हम लोग टीडीएस बचाने के लिए भरते हैं। जैसे एफडीज वगैरह के लिए हम लोग टीडीएस बचाने के लिए ये फॉर्म भरते हैं, वैसे ही हम लोगों को पीएफ का जो टीडीएस है वो बचाना है तो हम लोगों को 15G वगैरह भरना पड़ेगा। साथ साथ में आपको वो भी बताऊंगी कि 15G है वो कैसे भरना है और उसको अपलोड कैसे करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और पास वाला जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लेना। अगर आपने पास वाला बेल आइकन जो है उस पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलो देखते हैं वीडियो। आज का जो वीडियो है वो पीएफ का टीडीएस जो डिडक्ट होता है उसके टॉपिक के ऊपर है। तो कौन सी कंडीशन में आपका टीडीएस कटेगा और कौन सी कंडीशन में टीडीएस नहीं कटेगा, अभी रिसेंटली वो अमेंडमेंट हुए हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से अमेंडमेंट हुए हैं। तो कौन से कंडीशन में आपका टीडीएस नहीं कटेगा, मान लो आपने मोर देन 5 ईयर कंटिन्यूस कहीं पे सर्विस की हुई होगी तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। मान लो आपने कुछ बीमारी की वजह से आपकी जो जॉब है वो छोड़ दी है तो भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। मान लो आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी बंद हो रही है तो भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। एक दूसरी कंडीशन और भी है कि मान लो कोई कंपनी में आपने काम किया है 2 साल, इसके बाद आपने छोड़ दिया वो कंपनी, दूसरी जगह पे आप कंटिन्यू कर रहे हो 3 साल के लिए, ऐसे टोटल मिला के आपके रुक रुक कर 5 साल हो रहे हैं तो भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अभी आप वो भी सोच रहे होंगे कि कौन सी कंडीशन में आपका पीएफ कटेगा, तो आपकी जो सर्विस है वो 5 साल से कम और आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा हो रहा है तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। और एक दूसरी बात, अगर आपने पैन सबमिट नहीं किया होगा तो भी आपका टीडीएस कटेगा, और कटेगा तो कितना, 34.6% आपका टीडीएस कटेगा। तो मेक श्योर करें कि आप आपकी केवाईसी जो है जैसे कि बैंक, आधार और पैन ये कंप्लीट करवाएं। इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हो और साथ साथ में आप डिस्क्रिप्शन से भी चेक कर सकते हो। तो हमने देख लिया कि कौन सी कंडीशन में टीडीएस कटेगा और कौन सी कंडीशन में टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप टीडीएस वाली लिमिट में नहीं आ रहे हो तो आपको फॉर्म 15G भरना पड़ेगा जिससे आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और ये फॉर्म 15G है, ऐसा नहीं है कि आपको पीएफ में ही भरना पड़ेगा, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। मान लो आपने बैंक में एफडी की है और वहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो है वो 10,000 से ज्यादा मिल रहा है, वहाँ पे भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपकी एज 60 से कम है तो आपको 15G भरना है और आप सीनियर सिटीजन और 60 से अबव हो तो आपको 15H भरना है। तो चलो हम देखते हैं कि फॉर्म 15G पीएफ में आपको कैसे भरना है। फॉर्म 15G हम लोग इनकम टैक्स की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे 15GB मिल जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है 15H इन फ्यूचर में तो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये है हमारा फॉर्म 15G, हम लोगों को इसकी प्रिंट निकालनी है और इसके बाद में हमें पेन से यहाँ पे लिखना है। फॉर्म 15G जो है वो 3 पेज का होगा, बट हम लोगों को ये पार्ट 1 ही भरना है और जो पार्ट 2 है वो हमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है, वो पीएफ डिपार्टमेंट ये भरेगा। तो पहला जो है वो नेम ऑफ एसएससी, यहाँ पे जो पीएफ विड्रॉ करना है उनका नाम लिखना है, इसके पास में उनका पैन नंबर लिखना है, तीसरे नंबर पे आपको स्टेटस डालना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे इंडिविजुअली होता है बट मान लो आपका ट्रस्ट का है तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट मेंशन करना है, फोर्थ नंबर पे आपको प्रीवियस ईयर लिखना है, जो करंट ईयर चल रहा है वो जो है 1920 अभी हमारा चल रहा है तो हमें यहाँ पे 1920 लिखना है, फिफ्थ नंबर पे आपको डालना है रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इंडिया, इसके बाद में सिक्स में आपको आपका फ्लैट डोर या ब्लॉक नंबर डालना है, सेवन में आपको नेम ऑफ प्रीमाइसिस वगैरह डालना है, एट में रोड स्ट्रीट या लैंड जो होगा आपका वो डालिए, नाइन्थ में आप लोकलिटी या आपका एरिया है वो डालें, और टेन में आपको टाउन सिटी या डिस्ट्रिक्ट होगा आपका वो, और इलेवन में आपको आपका स्टेट डालना है और पिन कोड आप प्रॉपर डालिए, थर्टीन नंबर पे आपको आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो डालनी है, 14th नंबर पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और बाद में है 15, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो पहले भरा है, यस या नो, अगर यस है तो बी में हमें लिखना है असेसमेंट ईयर,
कौन से असेसमेंट ईयर में आपने भरा है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं, क्योंकि हम लोगों को आगे भी ये लगने वाला है। प्रीवियस ईयर मीन्स मैंने आपको बताया ये जो अभी करंट चल रहा है वो, और असेसमेंट मतलब हम लोगों को प्लस वन करके असेसमेंट ईयर लिखना है। मतलब प्रीवियस ईयर मीन्स 1920 चल रहा है और उसको प्लस करेंगे तो 2021 हमारा असेसमेंट ईयर हुआ। तो ये लिखने में आप बहुत ही ध्यान रखें। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम लोग डेफिनेटली ट्राई करते हैं सब रिप्लाई करने की। 16 नंबर पे हमें एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट लिखनी है जितने हमें विड्रॉ करने हैं। ये अमाउंट आप पहले पासबुक से चेक कर लीजिए, इसके लिए भी हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो, लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। 17 नंबर पे आपको ध्यान से लिखना है एस्टिमेटेड टोटल इनकम, यहाँ पे वही ईयर की टोटल एस्टिमेटेड इनकम लिखनी है। ध्यान रखें 2.5 लाख से कम ही आपकी यहाँ पे इनकम होनी चाहिए, नहीं तो आप 15G भर नहीं सकते। और 16 नंबर में जो आपने अमाउंट डाली है इसको इंक्लूड करके ही यहाँ पे हमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 40,000 आपकी 16 नंबर पे अमाउंट लिखी है, तो यहाँ पे आपको 1,40,000 ही लिखना है। इट मीन्स आपको 2.5 लाख से कम ही यहाँ पे अमाउंट हमें लिखनी है। 18 नंबर के कॉलम में पूछ रहा है कि प्रीवियस ईयर, इट मीन्स करंट ईयर हमारा जो चल रहा है वो, तो ये फॉर्म को छोड़ के आपने कोई 15G फॉर्म भरा है TDS बचाने के लिए, अगर भरा है तो यहाँ पे टोटल नंबर लिखने हैं 1, 2 या 3 जो भी होंगे वो, और यहाँ पे आपको टोटल इनकम लिखनी है, वो अमाउंट आपको 16 नंबर का जो पॉइंट है इसमें लिखा होगा आपने, वहां से आपको मिल जाएगा। तो मान लो आपने 3 फॉर्म भरे हैं तो तीनों की अमाउंट यहाँ पे आपको लिखनी है। 19 नंबर पे आपको देना है डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड, यहाँ पे हमारी जो PF विड्रॉल की जो डिटेल्स है वो हमें देनी है। सीरियल नंबर में आप 1 लिख दो, इसके बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट पब्लिक अकाउंट्स में आपको लिखना है PF अकाउंट, और आपका UN नंबर लिखना है। इसके बाद में नेचर ऑफ इनकम में आपको लिखना है EPF विड्रॉल। इसके बाद में सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, यहाँ पे आपको 192A लिखना है, और टोटल इनकम में आपको लिखना है जो आप PF विड्रॉल करना चाहते हो वो, और इसके बाद में आपको साइन करनी है। इसके बाद में डिक्लेरेशन लिखना है, और यहाँ पे लिखना है IV, उनका नाम लिखना है खुद का या फिर आपका ट्रस्ट या जो भी है उनका नाम लिखना है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि जो भी डिटेल्स मैं दे रहा हूँ वो सही है, और जो इनकम मैंने दिखाई है वो भी बराबर ही है। और यहाँ पे लिखा है कि फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, प्रीवियस ईयर मीन्स करंट ईयर हमारा जो चल रहा है वो, और उसकी जो डेट है खत्म होने की वो है 31 मार्च 2020, तो यहाँ पे हमें वो डेट लिखनी है। इसके बाद में आपको असेसमेंट ईयर लिखना है, मैंने आपको बोला है कि जो प्रीवियस ईयर या करंट ईयर आपका चल रहा है उससे प्लस करके आपको लिखना है, तो 2021 यहाँ पे लिखना है। इसके बाद फिर से आपको प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन लिखना है जो 31 मार्च 2020 मैंने बोला है, और फिर से आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखना है जो 2021 है वो। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आपकी साइन करनी है प्रॉपर, और यहाँ पे प्लेस डालना है, और डेट डालनी है जो डेट को आप 15G भर रहे हो और जिस दिन को आपको अपलोड करना है वो। इसके बाद में हम देख लेते हैं पार्ट टू को, यहाँ पे हमें कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों को स्कैन करके इसके साथ ही अटैच भी करना पड़ेगा, और ये जो फाइल है वो 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप स्कैन करके अपलोड के लिए रेडी कर लीजिए। तो चलो हम देख लेते हैं कि फॉर्म 15G कैसे अपलोड करना है। इसके लिए आपको आपका UN और पासवर्ड डाल के आपको आपका अकाउंट है वो लॉग इन करना है। इसके बाद में यहाँ पे अवर सर्विस में जाके क्लेम फॉर्म 30 1910C और 10D जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल की प्रोसेस आएगी। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपलोड फॉर्म 15G यहाँ पे चूज फाइल करके जो आपने PDF फाइल बनाई है 1 MB से कम होनी चाहिए वो फाइल यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। अगर आपकी एज 60 से ज्यादा है, अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हो तो यहाँ पे आपको 15H भरना है। अगर आपको फॉर्म 15H भरना है तो भी उसकी डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ साथ में वो भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर लेना। तो हमने देख लिया कि फॉर्म 15G कैसे भरना है, और जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुई थी PF में वो भी हमने देख ली। हम लोग PF, ESIC, बैंकिंग या रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सब वीडियो लेके आते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो और आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और पास वाला जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करें ताकि हम जो नए वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।